गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है मसूर पाक बनाना, तो आइए स्टार्ट करते हैं मसूर पाक बनाना। मसूर पाक बनाने के लिए ये हमने एक बाउल बेसन लिया है और एक ही बाउल हमने चीनी ली है और एक ही बाउल हमने देसी घी ली है। इसको हमने पिघला लिया है देसी घी को, और ये हमने थोड़े से काजू लिए हैं, इनको बारीक कट कर लिया है। थोड़े से बादाम लिए हैं, इनको भी बारीक कट कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने कढ़ाई ली है। सबसे पहले मैं इसमें चाशनी तैयार करूंगी। ये एक बाउल मैंने चीनी डाल दी है और आधा बाउल मैंने इसमें पानी डाला है, और इसके मैं चाशनी बनने दूंगी। और एक साइड में ये ऑयल गरम होने रख देती हूँ देसी घी। इसको मैं स्लो गैस पे ही गरम होने दूंगी। जब तक हमारी चाशनी और ऑयल गरम होता है, तब तक हम बेसन को छान लेते हैं। और ये हमारा बेसन छन चुका है। मैंने ये एक डब्बा लिया है, इसमें मैं ऑयल लगाऊंगी। और इसमें ऑयल अच्छे से लग चुका है और इसे मैं एक साइड में रख दूंगी। इधर हमारी ये एक तार की चाशनी बन चुकी है। मैं इसमें ये बेसन डालूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी, जो ये देसी घी ले रखा है ये डालूंगी मैं इसमें। आप चाहे ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसको हम इसी प्रकार से हिलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा करके घी डालते रहेंगे इसके अंदर हम। हमें इसी प्रकार से इसे भूनते जाना है। ड्राई फ्रूट भी डाल दूंगी, काजू और बादाम, ये भी इसी में साथ में भून जाएंगे। Thank you.
और ये हमने घी इसमें बचा हुआ था वो सारा डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये कितने अच्छे से भुना है हमारा मसूर पाक। और ये हमारा मसूर पाक अच्छे से पक चुका है और ये फूल के भी डबल हो चुका है। अब मैं इसे बाउल में जमा दूंगी इसे। अब मैं इस मसूर पाक को इस डब्बे के अंदर जमाऊंगी। इसे हमें ज़्यादा जोर से नहीं दबाना है और बिल्कुल आहिस्ता से इसे हमें प्लेन करना है। ये हमारा मसूर पाक अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, ये अभी बहुत ही गर्म है। फिर इसके मैं पीसेस कट कर दूंगी बीच में ही। ये थोड़ा हल्का सा ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे कट कर लूंगी। इसे गरम गरम में ही कट करना है, ये थोड़ा सा ही ठंडा हुआ है कटोरे की मदद से। मैं इसे एक कपड़े से पकड़ूंगी क्योंकि ये गर्म है अभी बर्तन। और ये मैंने एक चाकू लिया है और चाकू को मैं पानी में गीला करूंगी और फिर मैं इसके पीसेस कट करूंगी। फिर से मैं चाकू को पानी में गीला करूंगी। और इसके पीसेस ये कट चुके हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में रखूंगी। ये प्लेट लिया है और इसको मैं इस प्रकार से पकड़ूंगी
और इस प्रकार से मैं इसे उल्टा कर दूंगी और इसे ठंडा होने के बाद मैं इसमें से इसको ऊपर उठाऊंगी। तो आइए चेक करते हैं। इसे आराम से ही जिस प्रकार हम केक को निकालते हैं उस प्रकार से आराम से ही इसे निकालना है। ये हमारा कितना अच्छे से मसूर पाक बना है। अब मैं इसके पीसेस को अलग करूंगी। ये देखो कितने अच्छे से बनके तैयार हुआ है। अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व करूंगी। ये हमारा मसूर पाक बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।